बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मांग एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। बता दें आपको कि लगातार जो है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग उठ रही थी। लगातार तेजस्वी यादव भी इस बात को कह रहे थे कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिलाया जाए, लेकिन कल देखिए जो बयान निकल कर सामने आए, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा कि अब हम थक चुके हैं, इतने बात होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केंद्र में मोदी सरकार सुन नहीं रही है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब हम थक चुके हैं। जिसके बाद से एक बार फिर से विपक्ष की पार्टियां नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई। वहीं जीतन राम मांझी का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि जिसे पीछे हटना है हट जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और आज उनके भाई तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो है राबड़ी देवी की सरकार में, लालू प्रसाद यादव की सरकार में हम लगातार कर रहे थे। उस वक्त भी यह मांग उठ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। आपको सुनाते हैं हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग को लेकर क्या कहा है। नीतीश कुमार शुरू से मांग करते रहे हैं, देखिए विशेष राज का दर्जा का जहाँ की बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मांग किया है, विशेष राज का जो स्पेशल स्टेटस जो बिहार को मिलना था वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री जब थे, तो जब अटल बिहारी जी जब यहाँ पे बिहार में आए थे तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को जाना रहता था, उसके दौरान नीतीश कुमार जी भी लोग थे, तमाम लोग थे, तो उन्होंने बात किया कि इस बिहार को स्पेशल पैकेज स्टेटस मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी वहाँ मना कर दिए थे। तो विशेष राज का जो स्पेशल जो पैकेज है, अभी नीतीश जी केंद्र में हैं, केंद्र में गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है, तो ये हम मांग करते हैं कि विशेष पैकेज जो है बिहार को मिले। तो साफ तौर पर आपने सुना तेज प्रताप यादव जो है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल राबड़ी देवी की सरकार में और लालू प्रसाद यादव भी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी हमने ये मांग उठाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि कब बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो मिल पाता है। अब बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव का जो बयान आया है, जिसके बाद तमाम विपक्ष की पार्टियों को एक मुद्दा मिला है और लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी ने ही साफ तौर पे कहा है कि जिसे पीछे हटना है वो हट जाए, हम अपने बात पर अडिग हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल के रहेगा। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।